नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में बोचहा में उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में मांझी और नीतीश कुमार की एंट्री ने सरगर्मी जो है राजनीति की सरगर्मी बदल दी है पूरी तरह से। बोचहा उपचुनाव के कारण जो है राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। नीतीश कुमार की एंट्री और जीतनराम मांझी की एंट्री से क्या नया ट्विस्ट आया है बोचहा उपचुनाव में, वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार में जो है भाजपा एक तरफ मजबूत हो रही है तो दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार जो है वो कमजोर दिख रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की जो लड़ाई है वो अभी किसी से फिलहाल वैसी नहीं है, लेकिन भाजपा जो है वो बोचहा उपचुनाव के कारण थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार और मांझी की भी एंट्री करवा दी है। इसको लेकर कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है भाजपा का विश्वास जीतने के लिए एक तरह से उपचुनाव में जो है एंट्री मार रहे हैं। जीतनराम मांझी जो है एक तरफ जो है हमेशा भाजपा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, भाजपा को हमेशा जो है वो कटघरे में खड़ा कर भाजपा को टारगेट करते रहते हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, कल ही जो है जीतनराम मांझी ने ट्वीट कर जो है भाजपा को जो बताया था कि भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से मूर्ति का अपमान किया गया है उसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, एक ट्वीट किया था। उन्होंने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, साथ ही लोकसभा स्पीकर को भी टैग किया था और इसको लेकर जीतनराम मांझी ने टिप्पणी की थी कि अगर जो किसी और की मूर्ति होती, किसी धार्मिक आस्था भगवान की मूर्ति होती तो कई जगह दंगे हो जाते, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है इसको लेकर के अपमान किया जा रहा है। वो हमेशा से भाजपा को कटघरे में खड़े करते आ रहे हैं तो दूसरी तरफ बोचहा उपचुनाव में जीतनराम मांझी भाजपा के लिए प्रचार के लिए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि राजनीति में जो है उतल पुथल थोड़ा मच सकती है। क्या कुछ हो रहा है बोचहा में वो हम आपको बताते हैं। बोचहा में जो है लड़ाई सीधी सीधी अभी त्रिकोणीय दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार की एंट्री जो है वो, हालांकि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी है, भाजपा की लड़ाई सीधे तेजस्वी यादव से है। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार जो है अभी तीसरे नंबर की पार्टी है और भाजपा पहले नंबर की पार्टी है, लेकिन देखना होगा कि भाजपा जो है नीतीश कुमार को वहां चुनाव प्रचार के लिए उतार रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार बोचहा में 10 अप्रैल को दो जगहों पर सभा करने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने वाले हैं। इस चुनाव प्रचार में जो है नीतीश कुमार, जीतनराम मांझी सहित और भी जदयू के तमाम नेता उपस्थित होंगे। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा का विश्वास जीतने के लिए बोचहा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए गए हैं। ऐसे कयास पे कुछ दिन पहले लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में अब ये देखा जाएगा कि किस तरह से जो है बोचहा उपचुनाव राजनीतिक सियासी जो है बदलती है, किस तरह से जो है सरगर्मी तेज होती है वहां पर। ऐसे फिलहाल जो है तीन दलों त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है। वीआईपी जो है मुकेश सहनी का वीआईपी भी वहां काफी ज्यादा चर्चा में है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के पार्टी जो है उनकी भी ज्यादा चर्चा हो रही है। तीसरी तरफ जो है भाजपा के बेबी कुमारी उनका भी चर्चा हो रहा है। तो तीनों तरफ जो है हालांकि त्रिकोणीय समीकरण बना हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी की एंट्री क्या जो है समीकरण बदलेगी या फिर भाजपा की लड़ाई वहां सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई करने के लिए नीतीश कुमार की एंट्री करवाई गई है। आमने सामने की अगर जो लड़ाई होती है तो सीधे तौर पर जो है नीतीश कुमार के और जीतनराम मांझी की एंट्री के कारण भाजपा और तेजस्वी यादव आमने सामने दिखाई देंगे। हालांकि इस पे क्या अपडेट आता है, बोचहा उपचुनाव में क्या अपडेट आता है, नीतीश कुमार जो सभाएं करते हैं उस पर भी क्या अपडेट आता है, हम आपको उसका अपडेट का प्रतिक्रिया भी हम आपको जल्दी ही नई खबरों के माध्यम से देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।